हेलो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते आपके कीबोर्ड की कीज खराब हो जाती हैं, तो और आपको काम जो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उस टाइम ही करना है, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड डेस्कटॉप से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो आपको आ जाना है यहाँ पर टास्क बार पे, और यहाँ टास्क बार पर आपको राइट क्लिक करना है। उस पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शो टच कीबोर्ड बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कीबोर्ड शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपका कीबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। और आप इस यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके आपको कीबोर्ड को किस तरीके से रखना है आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें आपको इसमें शॉर्ट कीबोर्ड आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप कीबोर्ड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें इसके सेटिंग्स में जाके कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख जाते हैं, करेक्ट मिस स्पेल वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अपने काम को इजिली कर सकते हैं अगर आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस कीबोर्ड को यहाँ से हटाना, तो आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा टास्क बार आ जाना है, और इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ शो टच कीबोर्ड बटन पर आपको स्टिक को हटा देना है, तो आपका कीबोर्ड ये हट जाएगा।